खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। अभी मैं खड़ी हूँ चित्रकूट जिले के लक्ष्मण पहाड़ी के पास। लक्ष्मण पहाड़िया की लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं जिसको लोग ऊपर चढ़ कर के जाते हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ श्रद्धालु आते हैं। अगर कोई त्यौहार हुआ तो लाखों की तादाद में भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लगभग 150 सीढ़ियाँ श्रद्धालुओं के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत होती है। लोगों की सांसें फूल जाती हैं, लोग रुक रुक कर ये 150 सीढ़ियों का सफ़र तय कर पाते हैं। अभी आप कैसे गई वहाँ लक्ष्मण पहाड़िया? बहुत मुश्किल से गए हैं, बहुत हाँफते हुफते, धड़कन मेरी चालू हो गई थी बहुत मुश्किल से। हम तो देख रहे थे चालू हो जाता कृपा, तो इसी से जाते। तो इसमें अगर बैठेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, जल्दी पहुँचेंगे, परेशानियों से दूर रहेंगे, दर्शन के दर्शन अच्छे से होंगे। तो कितने बार आते हैं आप कर भी चित्रकूट? हम तो तिवारा आए हैं, तिवारा में दोबारा चढ़े हैं, बल्कि यहीं से चले गए दर्शन करके चढ़ने के पीछे। तो अभी मैंने देखा जब आप चढ़ रही थी तो काफ़ी हाँफ रही थी, सांस फूल रहा था, रुक रुक जा रही थी, तो कैसा लग रहा था इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने में? हाँ, ये सोच रहे थे कि चढ़ पाएंगे कि नहीं, फिर चढ़े आए। अगर ये रोप वे चालू होता तो आप कैसे आते? आते तो पैदल ही। और उसे हम लोग का हर यात्रा पैदल ही अच्छा लगता है, और सुविधा के अनुसार अभी जब शरीर में ताकत है तो पैदल ही यात्रा अच्छी है। कितने सालों से यहाँ दुकान कर रहे हैं? करीब 30 साल से। अभी यहाँ पे जो रोपे जैसी व्यवस्था दी गई है, उससे दुकान वालों को किस तरह का लाभ या नुकसान होगा? उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं कुछ। फायदा यह है कि पर्यटक आएंगे ज़्यादा तो धंधा ज़्यादा चलेगा, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और अपने चित्रकूट क्षेत्र में इधर जो है कोई ऐसा वो नहीं था, सारे MP में ही हैं, तो एक ये अपने चित्रकूट में भी ये हो गया है, तो इससे पर्यटक इधर भी ज़्यादा आएंगे और गाँव का भी विकास होगा खोही का, और दुकानदारों का तो फायदा होगा ही। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा राजकिरण दास। कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग का करीब 20-22 साल हो गए। तो प्रतिदिन कितने यहाँ पे कहीं हज़ार आदमी लोग आ रहे हैं, कहीं 500 हो गया, कहीं 1500 हो गए, जो जैसा दिन हुआ उसी आधार से आते हैं आते हैं। किस टाइम ज़्यादा भीड़ होती है? क्या भीड़ ज़्यादा किस टाइम होती है, कौन से? सुबह टाइम, फर्स्ट टाइम ज़्यादा भीड़। कौन सा महीना होता है वो जिस ज़्यादा ही लोग? लेकिन सावन भादो कुंवर कार्तिक में ज़्यादा भीड़ रहती है, इस समय थोड़ा गर्मी पड़ने के कारण कम आते हैं लोग। और सीढ़ियाँ कितनी हैं यहाँ पे? 156 सीढ़ियाँ। देखिए, हमारा चित्रकूट धार्मिक एवं पौराणिक चित्रकूट की बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। यहाँ प्रति महीने लाखों करोड़ों की भीड़ आती है श्रद्धालुओं की, और पर्यटन विभाग द्वारा हमारी सरकार ने काफ़ी बजट खर्चा किया, धन दिया है। चित्रकूट सहित पूरे चित्रकूट में जितने भी जनपद में पौराणिक पूरे मान्यता जिनकी है स्थलों की, वहाँ के विकास के लिए बहुत फंड आया है, और सरकार की कोशिश है कि इसको चित्रकूट को देश के मानचित्र पर पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, तभी हमारे चित्रकूट का संपूर्ण विकास हो सकता है, होगा। सर, जो लक्ष्मण पहाड़िया में रोपे बना है वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं, तो अब तक होगा उद्घाटन? तो 6 तारीख को होना था उसका। नहीं देखिए, उद्घाटन के संबंध में कोई तिथि अभी तक निर्धारित नहीं है। ये PPP मॉडल में इसका निर्माण हुआ है, जो संचालन उसका एक प्राइवेट कंपनी, उसका एक कंसोर्शियम के माध्यम से कराया जा रहा है। उसका एक सेफ्टी ऑडिट का एक प्रोसीजर अभी रह गया, उसको कंप्लीट करने के बाद उसका उद्घाटन की कार्रवाई हो जाएगी। सर, जैसे इतना मतलब बजट रोपे जैसी चीज़ पे खर्च किया जा रहा है, और जो वहाँ के लोग हैं मार्केटिंग करते हैं, वो करते हैं, बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आती है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो रिकॉर्ड के अनुसार पिछले कई सालों में वहाँ पे बाढ़ नहीं हुआ है, और जहाँ तक रामघाट की बात है, रामघाट पे भी अभी पिछले 2 सालों में हाई फ्लड लेवल के ऊपर तो नहीं गया है। रामघाट में बीच बीच में बारिश के समय रामघाट में पानी आ जाता है, लेकिन उसका एक और दूसरी साइड ये है कि गर्मी के समय वहाँ पे पानी की कमी भी हो जाती है। तो रामघाट के जो व्यापारी है उसके लिए रामघाट का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है, वहाँ पे इरिगेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से
वहाँ पे बेंचेस और रामघाट के सौंदर्यीकरण, उसके साथ साथ अभी फुट ओवर ब्रिज का भी काम हो रहा है और उसके आगे जा करके लाइट एंड साउंड शो का भी कार्य किया जाएगा। सर और क्या व्यवस्थाएं जो बाहर के यात्री आते हैं तीर्थयात्री, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी यहाँ पे? देखिए बाहर के जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए अभी स्वदेश दर्शन योजना के तहत लगभग 45 करोड़ का कार्य किया जा रहा है, जिसमें फुट प्लाजा, फुट ओवरब्रिज जैसे कि अभी मैंने बताया, परिक्रमा मार्ग पे कवर्ड शेड्स, इस तरह के भजन संध्या स्थल, इस तरह के कई तमाम कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से कराया जा रहा है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।